हेलो व्यूअर्स, तो आज मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने एक और नए वीडियो में। अभी सुबह के बजे हैं 7। आपका भाई उठ चुका है आज सुबह जल्दी, ऐसे में उठने में लेट हो जाता हूँ थोड़ा। तो आज मैं आपको सुबह का व्यू दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी धूप पड़ी होती है। ये आम का पेड़ है हमारे घर के पास, ये हरियाली की तो कोई कमी ही नहीं है। ये हमारे घर में मंदिर है, तो ये हमारा गांव है ऊपर पूरा। सामने भी एक गांव है, आपको मैं थोड़ा और आगे दिखाता हूँ। देखिए हमारा फूलों का गमला, गमला तो नहीं बोल सकते हैं, ऐसे लगा दिया है इसको ईंटों से जुगाड़ करके। देखिए दोस्तों, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा हरियाली होती है जिसके कारण गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। कोई पेड़ों में भी घास उगने लग गई है, देख सकते हैं आप लोग सुबह सुबह का व्यू। तो दोस्तों, मुझे भी अभी काम पर जाना है, तो मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद नाश्ता करूँगा और उसके बाद काम पे चला जाऊँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अब शॉप पे। बाय बाय फिलहाल के लिए। अभी बज रहे हैं व्यूअर्स सुबह के 8। धूप तेज हो चुकी है, शायद आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, लेकिन स्थानीय लोग भी बकरियों को घर को ले जा रहे हैं क्योंकि धूप लगेगी। भेड़ों को तो उनमें ज़्यादा धूप लगती है वैसे भी। सुबह का नज़ारा ये देखिए व्यूअर्स, ये पानी इकट्ठा करने का सोर्स होता है हमारे पहाड़ों में, जिसको कि भेड़ बकरियां और पहले तो बैल भी पाले जाते थे हमारे गांव में, अब कम कम ही पाले जाते हैं। तो इनके माध्यम से पशुओं को पानी पिलाया जाता है रास्ते में, चराते वक्त जब घर को लौट रहे होते तो वो पानी यहाँ पे पीते हैं। बरसात में ये स्रोत भर जाते हैं, गर्मियों में सूख जाते हैं। अभी तो बरसात का मौसम है, पानी की कोई कमी नहीं होगी, ना ही हरियाली की। वैसे दोस्तों, हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी होती है, हम लड़के खासकर खाया पिया सुबह है, दोपहर का लंच भरा टिफिन में और निकल गए काम पे या जहाँ भी स्कूल कॉलेज जहाँ भी आप जाते हो। तो मतलब दिन भर भी घूम लिए, शाम को घर पे आए, फिर खाना खाया सो गए, फिर सुबह उठे, उसके बाद दोबारा नाश्ता किया, वही प्रक्रिया दोहराई अगले दिन भी। लाइफ तो हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन थोड़ा नौकरी का टेंशन होता है इस स्टेज पे। तो इस बारे में भी करेंगे अभी बैठ के चर्चा। तो अभी मैं दुकान में पहुंच जाता हूँ। बाय दोस्तों फिलहाल के लिए। हेलो व्यूअर्स, तो मैं आज हूँ अवा देवी में। मैं अवा देवी में अभी मोनू भाई के साथ आया हूँ। अभी बारिश हुई थोड़ी देर पहले, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जोरदार बारिश। अब बारिश के बाद आपको मैं यहाँ के मौसम का व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, अंधेरा अंधेरा सा छा चुका है, बहुत तेज़ बारिश होगी इसके बाद भी। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में, आपको दिखाता हूँ कितनी तेज़ बारिश हुई अभी और मौसम ख़राब हो चुका है। तो आपको मैं पिछले कैमरे से व्यू दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, तो बारिश के बाद का आप व्यू देख सकते हैं, अंधेरा अंधेरा छा चुका है, अभी ज़ोरदार बारिश होगी थोड़ी देर में। हमारे पहाड़ों में अक्सर जब भी बारिश आती है, देखिए काले बादल आ चुके हैं,
काले बादलों का तात्पर्य यह होता है कि बारिश होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, इसी प्रकार मेरे साथ वीडियो में बने रहें। फिलहाल के लिए बाय। हेलो व्यूअर्स, तो अभी हो चुका है हमारा लंच टाइम और हम आए हैं होटल में खाना खाने। आज भी हम वही खाएंगे, चना समोसा दही के साथ। लंच कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, अब आ चुका है हमारा खाना, अब हम लंच कर लेते हैं। हेलो व्यूअर्स, तो हम सारा दिन भर की भाग दौड़ के बाद अभी दुकान में आ चुके हैं। और जैसा कि अब मैंने आपको आज अपने दिनचर्या दिखाई, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो मैं आपको और इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आगे से आगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, जय हिमाचल।